यूपी में रविवार रात हुए दो हादसों में दो परिवारों के 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, मृतकों में दो गर्भवती महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। पहला हादसा बागपत में मेरठ हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हुआ। वहीं टैंकर ने बाइक को रौंद दिया, जिस पर सवार एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी सिंहवाली अहिर थाना क्षेत्र के डोला गाँव के रहने वाले थे। वहीं सहारनपुर में ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में वैन में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने सोमवार की सुबह अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।